पूरा अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं ना प्रधानमंत्री जी, पूरा का पूरा शुरू से ही गलत था और आज भी गलत है। इसको कैंसिल करना चाहिए, इस योजनाओं को। वोटर पे अनुभवी होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो अनुभव होंगे जब तक उसको रिटायर कर दिया जाएगा। जरूर बंद होना चाहिए। सही नहीं है। अग्निवीर योजना युवा के हक के लिए 1% भी नहीं है, नहीं है। क्योंकि 5-6 साल का नौकरी कौन करेगा मैडम? पहले के मुकाबले देखी जाए तो अभी वाली अच्छी है। देखिए, अभी जो सरकार है ना बीजेपी, सिर्फ अपने लिए सोच रही है ना, युवा के लिए, युवा के नाम पे वोट ले ली है न, इसको युवा से लेना देना है न इसको देश से लेना देना है। सही है, अग्निवीर योजना बंद होना ही चाहिए, बंद होना ही चाहिए, उसके लिए हम सपोर्ट में हैं। अग्निवीर पर मची रार, विपक्ष मोदी पे कर रहे वार, क्योंकि अग्निवीर योजना है बेकार, ऐसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं। तो चलिए हम पब्लिक से बातचीत कर लेते हैं कि पब्लिक को क्या लगता है कि जो नई अग्निवीर योजना बनी है वो सही है या फिर जो पहले थी वही सही है। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, नई योजना जो बनी है मोदी सरकार के द्वारा अग्निवीर की, वो आपको सही लग रही है या फिर जो पहले जिस तरीके से बहाली होती थी वो सही है? अरे, पूरा अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं ना प्रधानमंत्री जी, पूरा का पूरा शुरू से ही गलत था और आज भी गलत है। इसको कैंसिल करना चाहिए, इस योजनाओं को, और जो पूर्व में था उसी को रेगुलर कर देना चाहिए था। अच्छा। ये सब योजना लाके मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। अरे, इस योजना का क्या काम है जो 4 साल में रिटायर कर जाए, बताइए। बाल बच्चा से लेके पूरा परिवार तक, और 7 साल आप दे दिया, ना उसको शहीद का दर्जा प्राप्त होगा, ना उसको आपको पेंशन होगा उसके परिवार को, उसका परिवार कैसे जिएगा भाई? तो ये लोग मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, ऐसा ही योजना लाते। देखते योगी जी नेम प्लेट लिया है, ये अग्नि बिल चला देते हैं। अरे, मुद्दे का कौन बात करेगा? ये लोग सारे लोग, ये हिंदुस्तान की आज़ादी में इनकी कोई भूमिका ही नहीं है। ये लोग तो मुखबरी किया करते थे अंग्रेजों का, इनको हिंदुस्तान के हालात से और डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। क्या कहिएगा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना समाप्त कर देगी, और जिस तरीके से पहले बहाली होती थी वैसे होगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, उनकी सरकार बनती तो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम इसको मान भी सकते हैं। बिकॉज जब 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले, जब चुनाव खत्म होने के बाद जब मोदी की सीट कमजोर हुई, तो उन्होंने प्रेशर में 4-7 साल किया, और जब मोदी पूरा सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो अपने पुराने नियम पे आ जाएंगे। देखिए, मोदी जी का जो नियम है 4 साल या 7 साल की है, 18 से 25, ठीक है, 7 साल के 25 के बाद 25 में युवा यंग ही रहता है मैम, और नया खून आता है और उबाल आता है, उसमें लड़ने का होता है। बॉर्डर पे देखिए, बॉर्डर पे अनुभवी होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो अनुभव होंगे जब तक उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और आप उसको 4 साल या 7 साल एक आर्मी का जो बॉर्डर पे हमारे गन चलाते हैं, उसको डायरेक्ट लाके आप किसी ऑफिस में 7 साल के बाद या तो बेरोजगार कर दीजिएगा, और सुनने में आ रहा है कि 7 साल के बाद कुछ नौकरी देंगे। अब ऑफिस में आकर उनको सिक्योरिटी गार्ड कर दीजिएगा, गेट खोलने का या कप गिलास देने का, तो आर्मी पर शोभा नहीं देगा। अभी तो मिल रहा है साथ में, अरे पैसा और कम कर सकते हैं वो लोग, नहीं कमजोर कर देता है पैसा। जैसे पहले वाली होता था वैसे होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर वो उनकी सरकार आती तो 24 घंटे में योजना हटा देंगे। क्या आपको क्या लग रहा है कि वाकई में योजना जो नई है स्कीम बंद कर देनी चाहिए? हाँ, बंद कर देनी चाहिए, जरूर बंद होना चाहिए। सही नहीं है। क्या कहिएगा आप, अग्निवीर योजना नई स्कीम जो आई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं अपनी सरकार आएगी तो 24 घंटे में बंद कर देंगे, तो क्या ये योजना सही है या गलत है या पहले जैसे बहाली होती थी वैसे? देखिए, सबसे पहली बात कि अग्निवीर योजना का, अग्निवीर योजना का शुरू से ही युवा लोग इसका विरोध किया। ये युवा का योजना नहीं है, ये युवा के हक के लिए नहीं, ये मोदी जी का योजना है, ठीक है। इसका कई बार राहुल गांधी ने बोला कि ये इस योजना को बंद किया जाए, लेकिन ये योजना और इंडिया गठबंधन, सही बात है, इंडिया गठबंधन जो बोलती है वो करती है। इंडिया गठबंधन ने बोला कि भाई किसान का आय दुगनी माफ होनी चाहिए, जहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार थी वहाँ आय दुगनी माफ हुई। इंडिया गठबंधन की गारंटी 100% सही है।
और जहाँ तक अग्निवीर योजना की बात रही, अग्निवीर योजना युवा के हक के लिए 1% भी नहीं है, नहीं है। क्योंकि 5 साल 6 साल का नौकरी कौन करेगा मैडम? और अक्सर आदमी को, और अग्निवीर वाला को कोई पंजाब में मरा था, उनको सही से श्रद्धांजलि भी नहीं दिया गया था, तो इसीलिए अग्निवीर योजना में कुछ लाभ नहीं है। आप इस योजना को किस तरीके से देखते हैं? अग्निवीर योजना वाकई में गलत है या फिर जो पहली थी वो योजना ज़्यादा सही है? मुझे लगता है कि एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। सही नहीं, एक बात बोलिए, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो सेना में जो काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, जान देते हैं, तो उनके लिए जो योजना निकली है वो सही है या गलत? मैम गलत है, क्योंकि देखिए जो लड़का जो है प्रिपरेशन कर रहा है, मान लीजिए कि सेना में जाने के लिए, तो वो फिजिकली प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, काफ़ी उन लोगों का टाइम उसमें लगता है। उसके बाद जो है अगर शॉर्ट टाइम के लिए उनको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, ताकि वो अपने आगे का जो है लाइफ व्यतीत कर सके, है ना, आगे बढ़ा सके। तो वो तो एक तरह से जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब अगर मैं ही हूँ, मान लीजिए कि सेना में जाने का तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत अफोर्ट रहता है। पहले के मुकाबले देखी जाए तो अभी वाली अच्छी है, क्योंकि उस टाइम देखा जाए तो 4 साल की थी और उस टाइम फिक्स नहीं था कि कितना परसेंट चांस है कि कितना लोगों को परमानेंट रखा जाएगा या नहीं। अभी तो जैसा पता चल रहा है माध्यम न्यूज़ के माध्यम से कि 70% का चांस है या उनको परमानेंट हो सकता है, और 7 ईयर का जॉब भी हो गया और उनका जो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो 4 साल से 7 साल कर दिए ना मोदी जी, हाँ। लेकिन उससे पहले जो एकदम पहले योजना थी जो पेंशन वगैरह मिलता था, वो योजना को जो सही लगता है कि जो मोदी जी संशोधन करके योजना लाए वो नहीं, मोदी जो लाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी लोग चाहते हैं कि देश का सेवा करें। तो अभी का जो योजना आया वो बहुत अच्छा है, अभी देखा जाए तो सभी युवा अपना जो क्षमता होगा, जो वीर पराक्रम होगा, सभी लोग दिखाएंगे। ऐसे पहले क्या था, 60 साल में उनका रिटायरमेंट वगैरह होता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर लेते थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ हो जा नहीं रहा था। फैसिलिटीज दे रही है वो सही है या फिर बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए ये, क्योंकि हर एक नौजुवक बोल रहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारे समझ से भी बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए अभी जो सरकार है ना बीजेपी, सिर्फ अपने लिए सोच रही है, न युवा के लिए, युवा के नाम पे वोट ले ली है, न इसको युवा से लेना देना है, न इसको देश से लेना देना है। अग्निवीर योजना मान लीजिए आप 4 साल किसी को, 4 साल जो 18 साल में आप नौकरी किसी को दे रहे हैं, 4 साल जिंदगी का अहम समय होता है, आप 4 साल किसी का ले लिए, उसके बाद उसको कहीं छोड़ दीजिएगा रास्ते पे, उससे क्या असर होगा? एकदम ही योजना, एकदम राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, ये योजना निरस्त होना चाहिए, बेकार है। मोदी सरकार नौकरी देने के नाम पर कतराती है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भड़का रहे हैं विपक्ष, और विपक्ष मोदी जी जो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं है, जो बोलते हैं पूरा हवा बनाते हैं, एक भी बात उनका देखिए सही नहीं है। बोलते हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? अगर मान लीजिए मोदी जी का पेंशन क्यों ले रहे हैं, वो काहे नहीं संसद में पारित कर रहे हैं? विधायक का MP सबका बंद होना चाहिए कि नहीं पेंशन हो बना? 1 साल किसी को आप ट्रेनिंग के नाम पे 1 साल किसी को भेज देते हैं, 8,000-9,000 रुपया देते हैं, आप फिर बोलते हैं कि जो हम रोजगार दिए उसको रोजगार में गिनते हैं, तो आप 5 साल क्यों बैठते हैं? आप भी 6 महीना पर करवाइए अपना चुनाव। स्कीम ठीक है बट वो सिर्फ कागज़ पे, धरातल पर उतरता नहीं है। आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, गरीब अगर हमको ऋण लेना चाहते हैं, अगर कोई योजना से उदामी योजना आया है लोन फंड, तो उसे अगर हमको अगर बैंक जाते लेने के लिए योजना, तो वो हमें मिलता नहीं है। वो सिर्फ बोला जाता है कि मिलेगा, हम बैंक गए, दोबारा बैंक गए, वो फिर वहाँ से मिलता नहीं है, बस सिर्फ दौड़ाएगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। वो सही है, ये अग्निवीर योजना बंद होना ही चाहिए, हम बंद होना ही चाहिए, उसके लिए हम सपोर्ट में हैं। बट मेन है कि आप कोई भी इंसान को 4 साल खटाएं, उसका भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना भाई। आपकी सिक्योरिटी है कि आपको हरदम पेंशन मिलेगा, एक बार आप विधायक बने तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, बट ये 4 साल आपको अपना अहम दे रहे हैं, उसके बाद ये आप मरे तो उनको कुछ पैसा देते हैं, तो जान का भी खतरा, जान का भी खतरा है, उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सिक्योरिटी इनको चाहिए, बट इनको नहीं, फैमिली से दूर, हाँ फैमिली से दूर रहना, सब चीज़ अपना दूर रह कर आपके देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, बट उनको बारे में नहीं सोचना है, सोचना है सिर्फ अपने बारे में। अपना एक बार विधायक बनिए, 60 साल पेंशन लीजिए, बस खुश रहिए, और दूसरा को बुढ़वा बनाइए बस। क्या कहिएगा, अग्निवीर योजना बंद हो जाना चाहिए या फिर जो सरकार जो सुविधा दे रही है वो बिल्कुल सही है? बंद हो जाना चाहिए,
बंद होना चाहिए आपके हिसाब से? सही नहीं लग रहा है? नहीं सही लग रहा है। बंद होनी चाहिए जो अभी सरकार दे रही है या फिर पहले बहाली जो होती थी वो सही है? पहले वाला सही है, पहले वाला सही है। बंद किया जाए, जो नई स्कीम है बंद कर देनी चाहिए। नई स्कीम जो है जो लागू हुई है उसको बंद कर देनी चाहिए। जो पहले वाली जो स्कीम थी, अभी जो अभी पहले के लोग तो जो थे रिटायर होते थे तो कुछ जीते थे, पेंशन का लाभ लेते थे, पर वो जो है हम लोग का अभी हम लोग का जो लाइफ है 60 साल तक ही रहेगा। और जॉब हम लोग मतलब 60 साल से पहले रिटायर करेंगे, ठीक है? तो 5 साल भी अगर सरकार हमको पेंशन का अगर सुविधा दे दे रही है तो वो भी हमारे लिए बहुत बेटर है। पर ये जो मतलब पुराना वाला स्कीम है वो सही था, और नया वाला स्कीम करना बहुत लागू ज़रूरी है। पहले जिस तरीके से बहाली होती थी वही सही थी, क्योंकि अभी अग्निवीर के अकॉर्डिंग आपको 4 इयर्स का काम है, 4 इयर्स के बाद आपको क्या होगा? आप 7 जो भी हो गया, 4+3 का है उसमें। अब मतलब उसके बाद आप कुछ भी कीजिएगा आपका जॉब का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। जैसे सब बड़े बड़े लोग तो बोल दिए हैं, जैसे अडानी वीलामर वगैरह ये लोग बोल दिए हैं कि हाँ उसके बाद भी आपको जॉब दे दिया जाएगा आप अगर उसके ये में रहोगे तो। मतलब आप अपना सर्टिफिकेट दिखा दोगे कि अग्निवीर के थ्रू आए हैं तो, अगर उस मतलब बोल तो दिए हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद भी गए हैं लेकिन होता नहीं है। कहाँ से हम? पटना बिहार। पटना बिहार। ये बताइए मोदी जी जो सुविधा दे रहे हैं अग्निवीर योजना में, क्या लग रहा है आपको? सही लग रहा है या फिर पहले जिस तरीके से बहाली होती थी वैसे ही? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि जो योजना में सुविधा मिल रही है सही है या गलत है। तमाम खबरों के लिए बने रहें उल्टा चश्मा यूसी के साथ। मैं परत अफसा, पटना।